हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश द्विवेदी आपके समक्ष फिर से आया हूँ संख्या पद्धति के नए टॉपिक, नए लेक्चर के साथ। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो से जुड़े हैं, उन्हें पहले जाकर पुराने दोनों वीडियो देखना है, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलते हैं अपन। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, और भी अच्छे अच्छे टॉपिक और वीडियो का आनंद लें। कल जो हमने बातें की थी, जो परिभाषाएं आपको बताई थी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में नहीं आई तो उस वीडियो को दो दो बार देखें। उससे ही संबंधित दो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन बहुत आता है, सबसे छोटी आभास संख्या है और शून्य है, ये दोनों आपके एग्जामों में आने वाली क्वेश्चन। तो हम लोग बात करेंगे आभास संख्या कि सबसे छोटी आभास संख्या है क्या। तो सब इसके पहले आभास संख्या के बारे में हम एक पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, आभास संख्या क्या होती है, और जीरो से लेके 100 तक की गिनती में हम टोटल आभास संख्याओं की काउंटिंग करेंगे, ठीक है, जिससे आपको कम से कम एक से लेकर 100 तक की आभास संख्या, जीरो से लेकर 100 तक की आभास संख्या मिल जाए। तो आपको पहले तो याद रखना है लमसम के जीरो से 100 तक कुल 25 प्राइम नंबर यानी आभास संख्याएं होती। अब वो कौन कौन सी होती हैं देखें आप। पहली सबसे छोटी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, इसके बाद 31, 32, 33, 39, 61, 60, 70, 73, 79, 83, 89 और 97। काउंट करें अपन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। जीरो से लेकर 100 तक इस प्रकार कुल 25 आभास संख्याएं होती जिनकी जानकारी हमें होना चाहिए। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने इसको 10-10 के सेगमेंट पे लिख दिया है कि आपको पहले 10 फिर 10 फिर 10 के सेगमेंट में याद हो जाए। कि अगर कोई कहे 0 से 10 तक में कितनी होती हैं, तो 1, 2, 3, 4 कौन कौन सी ये रहे? आपके 11 से 20 में कौन सी होती हैं, तो 1, 2, 3, 4 ये रही आपकी। आपकी 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60, 61 से 70 और 71 से 80 यहाँ तक, 81 से 90 और 90 से 91 से 100। मतलब बचपन में जैसे काउंटिंग लिखते थे ना अपन, वैसे ही आपको डिस्प्ले कर दी गई। जरूरी नहीं क्वेश्चन आपका 1 से लेकर 100 तक पूछे, या 0 से लेकर 100 तक पूछे, या पहली आभास संख्या मुझे कुछ ही पूछ सकता है, 1 से लेकर 20 तक कितनी है, या 30 तक कितनी है, या 50 तक कितनी। तो हमें आनी चाहिए कि 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी आभास संख्याएं होती।
चलें देख लें आप इसको कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स करें और बताएं। तो ये एक टॉपिक था अभाज्य संख्याओं के बारे में, अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है या अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो ऐसी संख्याएं जो खुद से कटे और एक से कटे या इसके केवल दो ही फैक्टर, वो क्या कहलाती हैं, आपके प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि शून्य क्या है। एक प्राकृतिक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो कल हमने जाना था कि प्राकृतिक संख्याएं किन्हें कहते हैं, जो जीरो से लेके इनफाइनाइट तक होती, नहीं नहीं वो जो एक से लेके इनफाइनाइट तक होती, जिनको गिनती में उपयोग करते हैं। तो क्या एक से लेके इनफाइनाइट में जीरो कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, इसलिए प्राक संख्या ये नहीं हो सकती। पूर्णांक संख्या होगा, हाँ पूर्णांक दर्शाया था अपने नंबर स्केल पे कि जीरो के साथ सभी पॉजिटिव नंबर 1, 2, 3 डॉट 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 इनफाइनाइट प्लस तक और सभी नेगेटिव नंबर इनफाइनाइट। ये क्या थे, ये पॉजिटिव इंटीजर नंबर थे, धनात्मक पूर्णांक संख्या और ये नेगेटिव इंटीजर नंबर थे, ऋणात्मक पूर्णांक, और जीरो क्या था, न्यूट्रल यानी उदास, ना वो धनात्मक ही ना ही ऋणात्मक। इसमें किस कैटेगरी में आएगा, वो पूर्णांक में आएगा, लेकिन ना धनात्मक पूर्णांक में आता है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक। तो ये आपको याद रखना है और इन दोनों के बारे में जो भी क्वेश्चन है उनको आगे टैली करना। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत एग्जामों में आता है। आप अभी हर टॉपिक के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें अपन करते जा रहे हैं, उसके बाद मैं आपको एक सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसमें हम लगभग पर डे 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन्हीं टॉपिकों को लेके। अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि हम उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिन्हें कुछ नहीं आता, तो उनको जो डाटा दिया जाता है उनको अच्छे से देखना है, याद करना है, उसके बाद जब प्रैक्टिस करेंगे तब हम उसका फ़ायदा उठाएंगे। आज का जो अगला टॉपिक है जो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है, यूनिट प्लेस, इकाई का अंक, यूनिट प्लेस इकाई का अंक, यूनिट डिजिट। अब इकाई का अंक क्या होता है, इकाई का अंक कैसे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं देखें आप। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो इकाई का अंक है किसी भी संख्या में जो यूनिट प्लेस या इकाई का अंक, यूनिट डिजिट या इकाई का अंक होता है, कोई हम नंबर लिख दें, तो इसमें यूनिट प्लेस है क्या, क्या कह देंगे, इसमें यूनिट प्लेस 8 है, उसका अंक क्या है 8, यहाँ 7, यहाँ 6, यहाँ 9। तो सबसे पहले तो किसी भी नंबर में सबसे स्टार्टिंग नंबर को ही क्या कहते हैं अपन, इकाई का अंक होता है। और जो इकाई का अंक होता है वो उसमें अपने आप में एक यूनिकनेस होती है, अपने आप में एक एक स्थान होता है जो अपने प्लेस को रिकमेंड करता है, और उसी से क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखें सबसे पहले इकाई का अंक क्या होता है पता कर लिया अपन ने, अब इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो इस इकाई के अंक के दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, दो टाइप के मतलब एक मल्टीपल गुणा पर आधारित, दूसरा घात यानी पावर पर आधारित। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सिंसियर है, उसको पेपर में आना ही है। आप कोई भी पेपर उठा लोगे ये आपको हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। तो देखें गुणा और घात क्या है,
इस गुणा वाले पैटर्न में हमें संख्या कई सारी मल्टीप्लाई लिख दी जा रही है, जैसे 2 1 5 7 मल्टीप्लाई 1 2 8 1 मल्टीप्लाई 2 3 2 मल्टीप्लाई 1 3 3। एक नंबर दे दिया हमें जो कई सारे नंबरों से मल्टीपल करने को कह दिया, और इसमें कहता है कि आप इनका मल्टीप्लाई कीजिए और बताइए कि निम्न को हल करने पर इसका इकाई का अंक होगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो इकाई का अंक क्या आएगा ये पूछेगा अपन से। तो जब भी कोई नंबर जितनी बार भी मल्टीपल में लिखा हो और हमसे यूनिट प्लेस या इकाई का अंक पूछे, तो आपको याद रखना है कि हमें उन नंबरों में से और किसी नंबरों की ज़रूरत नहीं है, किसी और नंबर जरूरत नहीं है, हमें केवल और केवल उन नंबरों की किससे ज़रूरत है, इकाई के अंक से। तो अगर हमें इसमें बताना है इकाई का अंक क्या होगा, तो हम हर नंबर के यूनिट प्लेस के इकाई के अंक को उठा लेंगे, जैसे इसका 7 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 1, और सबका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और उससे जो नंबर क्रिएट होगा, जैसे 7 एकम 7 7 2 14 और 14 एकम 14, तो यहाँ 7 आया, 7 2 14 आ गया, और 14 एकम 14, तो लास्ट बना 14, 14 में इकाई का अंक कितना है, 4। तो इस संख्या का यूनिट का अंक या डिजिट क्या होगा, 4, ये अपना आंसर। तो फर्स्ट टाइप मल्टीप्लाई में चीजें देंगे, आपसे पूछेगा इसका इकाई का अंक क्या हो। एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन, ठीक है। जब भी मैं क्वेश्चन लगा दूं जल्दी जब कर देता हूं, आपको वहां वीडियो पॉज कर लेना और नोट कर लेना, फिर आगे वीडियो को बढ़ा देना है। एक और देखो, 7 2 5 1 2 8 9 2 8 8 2 3 7। मैं इकाई का अंक होगा, इसमें इकाई का अंक होगा, तो एक मिनट लें और करें। उम्मीद करते हैं कर पा रहे होंगे। क्या करना है, मैं सभी अगर मल्टीप्लाई में संख्याएं हैं और इकाई का अंक पूछे, तो मैं सबका इकाई का अंक उठा लेना है, 1 9 8 7, और फिर उसका मल्टीप्लाई करना, चाहे यहाँ लेफ्ट से करो चाहे राइट से, आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ तक किया तो 9, फिर 9 में मल्टीप्लाई किसका हुआ, 8 का, 9 8 72 72 में बड़ी संख्या आ गई, आपको छोड़ देना है और इकाई का अंक लेना है। कितना है इकाई का अंक, 2 है, 2 का मल्टीप्लाई 7 का, 7 2 14, यहाँ भी किस्मत से कितना आ गया, 14, यानी इकाई का अंक इसका भी कितना हो जाएगा, 4, ये आंसर। चाहे हम इस साइड से करते, 8 7 56 यानी 6 आ गया इकाई का अंक, 6 का किया, 9 6 54 और 54 में 4 को लिया, तो 54 एकम 54 यानी 4, इकाई का अंक कितना आ गया आपका, 4। तो आप किसी भी तरफ से कर सकते हो, अगर संख्याएं मल्टीपल में हैं तो आपको याद रखना है कि इकाई का अंक निकालने के लिए हमें उन सब के इकाई के अंक लेना है और उनको सॉल्व कर देना। देखें आगे, एक दो बार एग्जाम में इस तरीके से पूछ लिया गया है, 61 मल्टी 62 मल्टी 63 मल्टी .. 69 का इकाई का अंक होगा। सिक्सटी टू मल्टी सिक्सटी थ्री मल्टी सिक्सटी थ्री डॉट 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 के बाद 69। अब
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सीरीज में आपकी लगातार काउंटिंग है और वो काउंटिंग और भी, और कहाँ तक गई है आपकी? 69, यानी ये पूरा क्वेश्चन 61 मल्टी 62 मल्टी 63 मल्टी 64 मल्टी 65 मल्टी 66 67 68 और 69 ये बन गया। उसी को शॉर्ट में ऐसे लिख देता है जिससे जो फर्स्ट पहली बार कोई क्वेश्चन मिले तो थोड़ा सा दिक्कत महसूस हो। तो आपको क्या सीखना है अपन को, अगर इकाई का अंक निकालना है और चीज़ें मल्टीप्लाई में हैं तो हम सबके इकाई के अंक को लेते हो, मल्टीप्लाई करना क्या कर देते हैं शुरू, और नंबर से मतलब हमें नहीं। तो हमने मल्टीप्लाई किया, 2 एकम ये 2 हो गया, इसका 3 से होगा मल्टीप्लाई, 6 हो गया इसका हुआ तो 24, संख्या बढ़ जाए तो माते इकाई का अंक लेना 24, 4 को लिया 4 × 5 = 20 और यहाँ रुक गए पर, क्योंकि हमें जो नंबर है वो क्या मिल गया, आप 0 या 0। जब 0 मिल जाता है यूनिट प्लेस पे, किसी से अभी आप मल्टीप्लाई करने जाओगे तो हर बार यूनिट प्लेस आपको 0 ही मिलेगा। तो अगर कभी आपको मल्टीप्लाई करने पर कभी भी 0 बन जाए तो फिर आगे मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आगे मल्टीप्लाई करने पर यूनिट प्लेस हमेशा क्या बनता रहेगा आपका, 0 ही बनता रहेगा। तो आगे अपन कर भी लें तो भी 0 बनेगा या यहीं स्टॉप हो जाए, तो इसका पूरे नंबरों का इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 0। इसका इकाई का अंक कितना होगा, 0 होगा। तो ये रहा आपका फर्स्ट टाइप जो आपको बताएगा कि इकाई का अंक कैसे निकालते हैं या कैसे बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, आपको समझ पाए होंगे चीज़ों को। जरूर कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि इस कोरोना के समय में ये पढ़ाई ही अपना बूस्टर है। इसीलिए ये सीरीज स्टार्ट की है कि हम आपको कम से कम 1 से 2 घंटे व्यस्त रख पाएँ, आपके अंदर पॉजिटिव चीज़ों को चार्ज कर पाएँ और साथ साथ आपको पढ़ाई से कनेक्ट कर पाएँ, जिससे जब भी कोई नॉर्मल समय में एग्ज़ाम होगा और आप उसके लिए तैयार रहो। तो ये अब जो हम दूसरा टाइप पढ़ेंगे ये और इम्पोर्टेंट है, कौन सा, पावर वाला। इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि ये एग्ज़ामों में खूब पूछा गया। पावर वाले का कनेक्शन देख लें, क्या कनेक्शन है कि जैसे 2^1 का इकाई का अंक होगा, ठीक है। अब अभी तक क्या था कि हमारे पास नंबर फाइनाइट थे, इतने थे कि हम उनको कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन अब पावर इतनी ज़्यादा जनरेट हो जाती है कि हम उसको सीधे सीधे कैलकुलेट नहीं कर पाते। तब नंबरों में क्या होता है, कोई सिस्टम होता है, उस सिस्टम को हम फॉलो करके उन नंबरों के इकाई के अंक आराम से पता कर सकते हैं, चाहे पावर कितनी ही क्यों न लगे। तो उस सिस्टम को देखना है, समझना है और आपको भी उसके हिसाब से उत्तर देना शुरू कर देना। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा इसका पैटर्न कि जब भी कभी पावर यानी घात, और जिस पे पावर लगे उसे क्या कहते हैं, बेस। जब भी कभी आपको बेस और पावर पैटर्न में इकाई का अंक पूछा जाएगा, यूनिट डिजिट, जब भी कभी आपसे आधार घात के पैटर्न में इकाई का अंक पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है कि बेस जो होगा यानी आधार, वो होगा जिसका मल्टीप्लाई करना है, और घात या पावर वो होगी कि कितनी बार उसका मल्टीप्लाई करना है। तो जब भी कभी बेस की बात होगी तो बेस में हम केवल और केवल एक अंक ले पाते हैं, जैसे ये लिखा था 2^141 ये लिखा होता, 12^141 ये लिखा होता, या
इतना बड़ा कोई नंबर होता उसकी पावर 141 लिखा होता, तो ये तीनों क्वेश्चन एक ही हैं। इसमें हमें सॉल्व करने के लिए लास्ट अंक यानी इकाई के अंक की पावर क्या समझना है, 141, क्योंकि इकाई के अंक का निर्धारण करने के लिए हमें और नंबरों की जरूरत नहीं होती, इकाई का अंक हम केवल इकाई के अंक से निर्धारित कर लेते, हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो चाहे इस पैटर्न में लिखा हो, चाहे इस पैटर्न में लिखा हो, चाहे इस पैटर्न में लिखा हो, हमें अगर पावर वाले पैटर्न में लिखा है और इकाई का अंक चाहिए है, तो हम केवल और केवल इकाई के अंक को सीधे सीधे निकाल सकते हैं इकाई के अंक के माध्यम से। तो हमें याद रखना है, जब एक ही अंक ले सकते हैं तो बेस में कौन कौन से अंक हो सकते हैं, बेस या आधार के डिजिट या अंक, या तो जीरो होगा या एक होगा या दो होगा या तीन होगा या चार होगा या पाँच होगा, 6, 7, 8, 9, इन 9 में से सॉरी इन 10 में से कोई भी अंक हमारा आधार पर होगा, उस पर क्या लगी होगी, पावर। तो आपको सबसे पहला रूल याद रखना है कि अगर बेस यानी आधार, यदि बेस का अंक कितना हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6, अगर आधार का अंक 0 है, 1 है, 5 है और 6 है, तब इस पर कोई भी पावर लगी हो, इनके यूनिट डिजिट, यूडी बोल दे रहे हैं हम इसको, यूनिट डिजिट चेंज नहीं होते, 0 का 0 होता है, 1 का 1 होता है, 5 का 5 होता है, 6 का 6 होता है। जैसे कि अगर हम 10 की पावर चाहे 10 लगा दें, चाहे 100 लगा दें, चाहे 1000 लगा दें, चाहे 10001 लगा लिख दें, कुछ भी लिख दें, उसका इकाई का अंक क्या रहना है, 0 ही रहना। चाहे यहाँ 10 की जगह पे क्या लिख देते अपन, 20 लिख देते, क्योंकि हमें तो यूनिट नंबर से फ़र्क है, चाहे 30 लिख देते, चाहे 100 लिख देते, कुछ भी लिख देते, तो हमारा इकाई का अंक क्या रहता, 0। या 11 का एग्जाम्पल लें, 11 की पावर 1 होता है, 11 की पावर 2 ले लें तो 121 होता है, 11 की पावर 3 ले लें 13, 31 होता है, इकाई के अंक क्या रहते हैं आपके, एक ही, चेंज नहीं होता। 11 जगह 21 की बात कर लें, या 5 की बात करेंगे, 5 की पावर 1 5 ही होता है, 5 की पावर 2 25, फिर 5 मिल गया, 5 की पावर 3 125, फिर 5 मिल गया, 5 की पावर 4 625, फिर 5 मिल गया, तो इकाई के अंक चेंज नहीं होते। 6 की बात कर लें, 6 की पावर 1 6 होता है, 6 की पावर 2 36 होता है, फिर 6 की पावर 3 216 होता है, फिर 6। तो अगर कभी कोई क्वेश्चन आपका बनता है, जैसे ले दिया कि 5 की पावर 133 में इकाई का अंक होगा, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 5, या 6 की पावर 143 इकाई का अंक कितना होगा, 6, 11 की पावर 121 इकाई का अंक क्या होगा, 1, या 100 की पावर 108 इकाई का अंक क्या होगा, 0। तो अगर रूल फर्स्ट आपको याद रहा कि अगर किसी भी बेस में इकाई का अंक कितना है, 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो इनकी इकाई के अंक नहीं निकालने पड़ते, ये खुद के खुद वही के वही इकाई के अंक रिप्लेस कर देते हैं, वापस कर देते हैं, इसीलिए इकाई का अंक हमें इनसे नहीं निकालना पड़ता, ये वहीं के वहीं क्या होते हैं, सेपरेट बने रहते हैं। तो देखें, ये आपका इकाई का अंक हो गया आधा, अभी आधा हुआ है, पूरा नहीं, केवल अभी बात हुई है, इन 10 में से इन 4 नंबरों की प्रॉब्लम खत्म हो गई, अभी बाकी नंबर भी तो बेस में हो सकते हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं आगे चल के देखते हैं। आपको पढ़ते जाना, और जहाँ भी कहीं से आप पढ़ रहे हैं उनको नोट करते जाना है, और नोट करने के बाद जब आप किसी बुक या किसी किताब के सवाल लगाओगे तो आपको ये सब बातें हेल्प करेंगी, लेकिन फिर से वीडियो देखना पड़ेगा फिर से ये, नहीं तो इससे अच्छा आप क्या करो, पहले एक बार उसको अच्छे से नोट कर लो, वीडियो देखते जाओ, नोट करते जाओ, फिर जब नोट हो जाए तो अपनी बुक सामने रख ली आपने और फिर वीडियो देखा और फिर उसमें चीज़ें करेक्ट करते रहे कि ये होता है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और फिर आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका नोट्स ही
खोल के देखोगे और वो आपका क्या करेगा, वीडियो का पूरे का काम करेगा और आप कई सारे सवाल लगा पाओगे। तो चलते हैं इसके आगे अंकों के, आप अपनी समस्या 0, 1, 5 और 6 के लिए तो निपट गई कि इनके इकाई के अंक निकालने नहीं पड़ते, इनके इकाई के अंक वही के वही होते हैं, 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6। लेकिन बाकी अंक बचे, बाकी अंक कौन से बचे, अंक बचा 2, 3, 4, 7, 8 और 9, बाकी ये 6 अंक। अब इनके लिए याद रखना है कि अगर ये बाकी 6 अंक आते हैं, जैसे पहला एग्जाम्पल लिखा था अपन ने 2 to the power 144 या 43, चलो 2 की पावर 143, तो आपको याद रखना है कि जब भी कभी हमें बेस अंक क्या मिलेंगे, 2, 3, 4, 7, 8 और 9, तब हमें इकाई का अंक निकालने के लिए पावर को, घात या पावर को 4 से डिवाइड यानी भाग देना है। ठीक है, थोड़ी बार चर्चा करेंगे 4 से ही क्यों देना है, 4 से भाग देना। जैसे क्वेश्चन था आपकी 2 to the power 143, तो हम 143 को 4 से डिवाइड करेंगे पावर को। ठीक है, देखें पावर को मैं डिवाइड किया तो अभी जो हम पहला सवाल पूरा समझा देते हैं कि अगर अपन ने 143 को 4 से डिवाइड किया तो 4 × 3 = 12, कितना बचा 2, 3 आ गया, प्लेस किया और 4 × 5 = 20, कितना बचा रिमाइंडर। ठीक, तो और जो रिमाइंडर बचता है वो पावर में लगा देते हैं, पावर को 4 से डिवाइड कर देते हैं और जो रिमाइंडर बचता है फिर उसको अंक की पावर पे लगा देते और सॉल्व कर देते हैं। तो कितना हो गया 2 की पावर 3, यानी 2 × 2 × 2 रेंज में आके 2 × 4 × 8, 8 अपना इसका क्या हो जाएगा, इकाई का अंक आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपके, और एग्जाम्पल लगाएंगे अपन इसको क्योंकि ये इम्पोर्टेंट बात है, इसको कई एग्जाम्पलों से अपन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखें, अभी मैं इसको रब कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, अब 2-4 एग्जाम्पल के साथ अपन इसको और अच्छे से समझेंगे। जैसे एक और एग्जाम्पल देखें, 7 की पावर 1, 2, 3 में इकाई का अंक बताइए। ठीक है, अब 7 की पावर 1, 2, 3 में इकाई का अंक बताना है आपको, तो आप बता पाओगे, बोले क्या सर ने बताया था कि बेस का जो अंक है अगर वो 0 है, 1 है, 5 है और 6 तो सवाल लगाना नहीं है, लेकिन उनके अलावा कुछ और है तो फिर हमें क्या करना है, पावर को 4 से डिवाइड करना है। तो पावर को 4 से डिवाइड किया, तो जैसे पावर को 4 से डिवाइड किया 123 / 4, और जब रूल पढ़ लेंगे अपन तो सीधे कहेंगे कि जब 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 से डिवाइड का रूल होता है कि लास्ट के 2 अंकों को डिवाइड कर लो तो 4 से डिवाइड हो जाता है। तो किया 4 × 3 = 12, 3 रिमाइंडर कितना बचा 3, तो यहाँ इसको लिखेंगे 7 की पावर 3, 7 × 7 × 7 749 यानी 9 × 9 = 63, कितना आ गया 3, तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा 3। और देखें 9 की पावर 49 होता, बोलता है इसका इकाई का अंक बताइए, तो क्या करते, तो कुछ नहीं करते, अपन कहते कि अंक कौन सा है, सवाल लगाने वाला कि ना लगाने वाला, ना लगाने वाला वही 0, 1, 5 और 6, लगाने वाला 9, 7, 8 ही है। देखें घात में किससे भाग करना है 4 से, तो 4 से जैसे 49 में 4 से डिवाइड करोगे आप तो 4 × 4 कट गया, 4 × 2 = 8, कितना बचा 1, तो 9 × 2 कितना लगा दोगे आप 1, और 9 × 1 कितना आएगा 9, नहीं होगी अपना आंसर, यानी इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा 9। उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आ रही होगी आपको।
नहीं आ रही हो तो आप फिर से उसको पोज करें, रोकें वीडियो को, आगे ना बढ़ाएं, पीछे से फिर ले जाएं, फिर देखें, दो तीन बार देखोगे तो आपको बातें क्लियर हो जाएंगी। किसी अभी तो टॉपिक को अपना आराम से पढ़ना है, फिर एक डेढ़ घंटे का टॉपिक बनाएंगे जिसमें पूरा शुरुआत से लेके लास्ट तक क्या हो जाएगा, रिवीजन अपन कर देंगे। तो चलते हैं आगे, क्योंकि इसमें कभी कभी इशू भी आएगा आपको, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने। देखें कि रिमाइंडर ही ना कुछ बचे, जैसे 2 की पावर 1/4 या तो आपने कहा कि यार 144 में 4 से डिवाइड कर देना, 4 3 12 कितना बचा, 2, 4 प्लेस हुआ, 4 6 24 कट गया, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। बहुत से लोग क्या करेंगे, वो 2 की पावर 0 लगा दें, तो रिमाइंडर 0 बचे। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये रिमाइंडर प्रॉब्लम से अपन इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। रिमाइंडर बचने के पहले भी डिवाइड हो रहा था, और ये जो डिवाइड हो रहा था, इस डिवाइड होने की कंडीशन क्या थी, डिवाइड होने की कंडीशन क्या थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इतनी बार डिवाइड भी तो हो रहा था आपका। तो जब भी कभी रिमाइंडर आपका ना बचे तो आपको नंबर देखना है कि नंबर इवन है, मतलब सम है आधार, या ऑड है यानी विषम। तो अगर कभी रिमाइंडर ना बचे तो आपको याद रखना है कि अगर आधार का अंक जिस पे पावर लगी होती है वो इवन है यानी सम है तो आंसर लगाएंगे अपन 6, और अगर आधार का अंक ऑड मतलब विषम तो कितना लग देंगे, इकाई का अंक 1। ये इसकी टोटल थ्योरी होती। जैसे इसका रिमाइंडर कुछ मतलब एक संख्या के सम है विषम, कहेंगे सम है तो इकाई का अंक कितना आएगा, 6। यहाँ लिखा होता 9 to the power 24, और देखा 24 में तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 4 से, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, इकाई का अंक आ जाएगा 1, क्योंकि 9 क्या है, इवन नंबर है। 2 क्या है, 9 क्या, सॉरी ऑड नंबर है, 2 क्या है आपका, इवन नंबर है। तो इवन नंबर के लिए कितना लिखते हैं, 6, और ऑड नंबर के लिए कितना लिखते हैं, 1। ये होगा अपना कंप्लीट पावर मटेरियल, ठीक है ना। ये अपना कंप्लीट हो गया कि पावर में क्या करते हैं। अब थोड़ा दिमाग में उठ रहा होगा कि सर 4 से ही डिवाइड क्यों करते हैं, क्या होते हैं, तो शुरुआत में ऐसे उत्पटांग क्वेश्चन दिमाग में नहीं लाना। क्यों, क्योंकि लाओगे पहले सवालों को लगाना सीखें, फिर क्यों ऐसे लगाना उसकी चर्चा अपन बाद में सोचें। देखें फिर भी हम आपको बताते हैं क्या होता है कि अगर हमें कभी किसी की भी पावर सॉल्व करना है और पावर ऐसी है जो हमारी रेंज के बाहर है, तो हम उनको किसी पैटर्न के हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो जब हमने बात की कि आपके अंक 0, 1, 5 और 6 ये ऐसे हैं कि इन पर कोई भी पावर लगी हो, इनके इकाई के अंक चेंज नहीं होते, वही के वही रिपीट होते रहते होते रहते होते रहते। तो जब हम इनको छोड़ के बाकी बचे अंक 2, 3, 4, 7, 8 और 9 के बारे में सोच रहे थे कि यार इसमें क्या होता है, 2 की पावर 1 लगाया 2 आ गया, 2 की पावर 2 लगाया 4 आ गया, 2 की पावर कितना लगाया 3 लगाया 8 आ गया, 2 की पावर 4 लगाया कितना आ गया 16। तो जब हमने 4 बार मल्टीप्लाई किया तो हमें यूनिट प्लेस का अंक 6 मिल गया, और 6 एक ऐसा अंक है जो बार बार रिपीट होता है, मतलब जब भी 2 की पावर 4 आएगी तब तब यूनिट का अंक कितना आएगा, 6 आएगा, और 6 अपने आप को बार बार चेंज नहीं कर सकता। तो जो 2 की पावर 4 है ये 4 पावर पे क्या देता है, ऐसा अंक देता है जो
अपने आप को चेंज नहीं करता। तीन के साथ जब ये किया, तीन की पावर एक तीन, तीन की पावर दो नौ, तीन की पावर चार सॉरी तीन सत्ताईस, तीन की पावर चार इक्यासी, इकाई का अंक तीर चार बार में इसमें एक मिला। एक भी वही अंक है जो अपने आप को क्या करता है, बार बार रिवर्स करता है। और अंकों के साथ देखा तो कोई दो बार मिला, जैसे नाइन का किया, नाइन की पावर वन नाइन, नाइन की पावर टू एट्टी वन, इसमें दो ही बार मिल गया था। या सेवन की बात करें, सेवन की नहीं और किसकी बात कर लें, अपन एट की बात करें, एट अठहटे चौंसठ, तीन बार किया चौंसठ मल्टीप्लाई तीन आपका 512, फिर चार बार करें तो कोई अंक दो बार करने में, कोई तीन बार करने में, कोई चार बार करने में आ रहा था, सॉरी कोई दो बार करने में, कोई चार बार करने में आ रहा था। तो जब दो बार करने में, चार बार करने में आएगा ही आएगा, तो डबल डबल रूल ना याद करना पड़े, तो पता चला कि अगर हम पावर को चार के मल्टीपल में तोड़ लेते हैं तो सम अंकों पे कितना आता है, छः, विषम अंकों पे कितना आता है, एक आता है। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल है, दो की पावर लगा होता 24, तो इसको कह देगा हम वैसे तोड़ते हैं कि दो की पावर चार में तोड़ दें, तो दो की पावर चार की पावर छः, क्योंकि छः चौको 24, शायद यहाँ दिख पा रहा होगा, यहाँ दिखाते हैं हम आपको कि दो की पावर 24 को हम कह तोड़ दिया, तो दो की पावर चार में दो की पावर चार और कितना हो गया 6, तो 2 की पावर 4 को हमने लिख दिया 16 की पावर 6, तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा, 6 में तो चेंज नहीं होता है, कितना आएगा 6, तो ये आंसर हो। अब अगर 2 की पावर 4 25 लगा होता तो हमें तोड़ना होता 4 की पावर में, तो हम तोड़ते कि 2 की पावर 4 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, 24 और 1 25, बेस बराबर है, मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाती है, तो इसका अंक तो आएगा 6 और इसका कितना आएगा 2, 6 दूनी 12, इकाई का अंक कितना हो गया 2। तो ऐसे तीन के लिए एक के साथ होता है, तो ये काम जो किया जाता है वो 2 की पावर में तोड़ के किया जाता है। ये 2 की पावर में तोड़ना, ये आपको एक्स्ट्रा बचाना, ये इस झंझट से बचाने के लिए सीधे सीधे रूल बना दिया कि कोई भी घात लगी हो जिनके आधार का अंक कितना हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, इन पर कोई पावर लगी है, घात लगी है, तो 4 से भाग दे के घात को छोटा करके सवाल लगाना है। तो इतना सब कुछ याद ना रखना पड़े आपको, उसके लिए क्या रूल बना दिया कि घात को 4 से भाग करें, क्योंकि हमें वहाँ जल्दी से जल्दी सवाल लगाना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, और एक दो बार वीडियो को देखोगे और धीरे धीरे फैसिलिटी बढ़ेगी आपकी, और जब रिवीजन करेंगे, ये इनिशियल चीज़ें थी जिनके बारे में बताया था, कई कई बार फैक्टोरियल में बात आ जाती है आपकी, संख्या फैक्टोरियल में लिखी रहती है, इसलिए लिख दिया पावर 2 की पावर फैक्टोरियल 2 या फैक्टोरियल 4, तब क्या होगा, तो इसको अपन आगे वीडियो में कवर करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चन लगवाएंगे हम आपको, और आगे इसके बाद फैक्टोरियल पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें और शेयर करते रहें, और साथ में ही अपने आसपास कोरोना महामारी को देखते हुए घर में रहें, सेफ रहें, मास्क लगाएं, हाथ धोते रहें प्रॉपर, और साथ में खुद का और सब पूरे परिवार का ध्यान रहें। इस समय में हम अपने राष्ट्र के प्रति इतनी सेवा करते रहते हैं या कर सकते हैं, तो प्लीज़ सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद।